जो कह रहा था मैं पतन के साथ शादी के पेट पड़ाऊंगा। पता नहीं कहाँ है। ये हेलमेट तो मेरे हेलमेट जैसी दिख रही है, ये इधर कैसे? एक मिनट। हाँ हाँ देख देख देख। पोपटलाल, ओए, हाँ, तुम्हें मेरी हेलमेट कहाँ से मिली? वो मैंने माधी भाभी को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने दी मुझे। हाँ? अरे देखिए तुम हेलमेट पहन के क्यों पतंग उड़ा रहे हो? अरे भाई कल बात हुई थी ना, ये पतंग के मांझे से वो चेहरा कटने की घटना बहुत बढ़ गई है, तो इसलिए मैं वो हेलमेट पहन के पतंग चगा रहा हूँ। नहीं नहीं मुझे मेरी हेलमेट दे दो। अरे नहीं 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 नहीं, वो हेलमेट पे स्क्रैचेस आ जाएंगे। अरे भाई मेरे चेहरे पे स्क्रैचेस आएंगे तो वो चलेगा तुझे? पोपटलाल तुम जरा सोचो, यहाँ पे इतनी खूबसूरत लड़कियाँ है जो पतंग उड़ा रही है, हेलमेट पे तुम्हें वो कैसे देख पाएगी? अच्छा कैसे देख पाएगी वो तुम्हें? बराबर है बराबर है ना। तो एक काम कर, जरा निकाल दे हेलमेट। निकाल 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 निकाल। आराम से आराम से आराम से। हाँ देखो देखो कहाँ है खूबसूरत लड़कियाँ। भिड़ा पोपटलाल, क्या ये संक्रांत के रंगीन त्योहार में कोई जिंदगी की फिरकी पकड़ने वाली मिली कि नहीं? अरे नहीं भाई, वही ढूंढ रहा हूँ मैं। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिल जाएगी, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। जताला तुम भी जरा ढूंढो ना, तुम्हें भी मेरे लायक कोई सुकन्या मिले तो जरा देखना। हाँ जरूर जरूर जरूर। कमा भैया माधवी, मेरा हेलमेट तुमने दिया था पोपटलाल को? पतंग का दिया प्लीज। अब जाओ दे ना पतंग, वो तो कटनी थी। तुमने मुझे बिना पूछे हेलमेट दिया क्यों? वो घर पे आए थे पूछने के लिए हेलमेट है तो मैंने दे दिया। हेलमेट को कुछ हो जाता है, स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो? ऐसा क्या है, चेहरा बचाने के लिए हेलमेट होता है ना, इसलिए दे दिया मैंने उनको। अरे हेलमेट होता है बाइक चलाते वक्त पहनने के लिए, पतंग उड़ाते वक्त कोई पहनता है हेलमेट? अभी आई दस अगर पूछे तो मत देना, समझे? मैं अभी रख रहा हूँ वापस। पतंग क्या हो रहा है? ये पतंग उड़ ही नहीं रहा है, लग रहा हवा कम है। क्या हुआ बबीता जी, पतंग उड़ नहीं रहा है? वो अयर कोशिश तो कर रहे पर लगता है हवा कम है। अरे नहीं हवा तो भरपूर है अयर भाई, मुझे लगता है आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। काम करो लो मुझे ये, एक मिनट नहीं एक मिनट, पतंग आप पकड़ो आप पकड़ो और दूर जाके थोड़ा सा इसको छुड़ा ना, हाँ फटक से वो उड़ जाएगी। हाँ आप ये फिर के पकड़ना, ये इसको ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे जुड़ाना ऐसे। हाँ 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 कूदी मार के, ठीक है जाओ उधर जाओ। ओके अभिता जी क्या है ना, ये पतंग उड़ाना सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए स्पेशल आवड़ा चाहिए। बुरा मत लगाना लेकिन अय्यर भाई में वो आवड़त नहीं है। याद है ठीक है। अरे नहीं अय्यर भाई दूर जाना पड़ेगा भाई, थोड़ा दूर जाओ यार। अभिता जी मेरा क्या है ना, मैं बचपन से पतंग चगाने का मुझे बहुत शौक है। तो मेरी तो गड़थुती में ही है पतंग चगाना। गड़थुती मतलब? मतलब मेरी रग रग में है, बचपन से ही मुझे आता है पतंग चगाना। जय दलाल यहाँ से? अरे नहीं यार भाई थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा। अरे और कितना आगे भैया? जय दलाल अरे चलते मैं डैम में गिर जाएगा। अरे भाई नहीं गिरोगे भाई, थोड़ा दूर जाओ वरना ये पतंग उड़ेगी नहीं, थोड़ा दूर जाओ। क्या दूर जाइए? ओके सुविधा जी। क्या बताऊं आपको, इस बार की संक्रांत ना मेरी जिंदगी की सबसे सबसे बेस्ट संक्रांत है। नर्मदा किनारे आप फिरकी पकड़ के खड़े हैं और मैं पतंग चगा रहा हूँ। ओ जय दलाल ओ जय दलाल, इससे अच्छा जिंदगी में और क्या हो सकता है? अरे जीठा जी आप भी ना। नहीं सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ यार भाई क्या हुआ, फोन क्यों किया आपने? अरे क्या हुआ, अरे कब से मैं चिल्ला रहा हूँ जय डलाल, तुम सुनता ही नहीं है। पर आप चिल्ला क्यों रहे थे? अरे तुम सुनेगा नहीं तो चिल्लाना ही पड़ेगा ना। पर इतने दूर से आप मुझे बुलाएंगे तो मुझे कैसे सुनाई देगा यार भाई? तो जय डलाल इतना दूर तुमने ही मेरे को भेजा ना। हाँ बराबर तो फिर अभी क्या करूँ? हाँ बस अभी मैं अभी फोन रखू ना, आप भी फोन रखो, उसके बाद दोनों हाथों से ऐसा कुदी मार के वो पतंग को छुड़ाना, ठीक है? समझ गया। एक मिनट ओके चल अब फोन काटो।
सब ठीक है ना? हाँ। मैं ऐसे। क्या बात है जीजाजी, वाह! आने आने तो थोड़ा तुझे ढीला ना दो, ढीला ना दो। ये देखे बबीता जी, ये ना ये मेरा हाथ का देखे, ऐसे ऐसे टिचकी मारते हैं, ये देखे। अच्छा, ओके। देखा? देखा? हाँ हाँ। Looks so easy. अभी अभी आप पकड़े, आप चगाइए, मैं फिर की पकड़ता हूँ। अच्छा। हाँ। वाह वाह बबीता जी, वाह! क्या मस्त चगा रहे हो पतंग! अरे गोगी बेटा, क्या हुआ, पतंग नहीं उड़ रहे? नहीं उड़ रहा है, देखो ना। एक काम कर बेटा, ओ अय्यर अंकल बहुत मस्त छुड़ाते हैं पतंग, उनको दे, वो दूर जाके छुड़ाएंगे ना, तुरंत उड़ जाएगी। थैंक यू अंकल, लव यू। हां ले जा ले जा, ऊपर ले जा, करेगा बराबर बराबर बराबर। ओ माय गॉडनेस, अय्यर अंकल मेरी पतंग उड़ा दीजिए ना प्लीज। प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके, चल ले जा ले जा। क्या टिचकी मार रही है, वाह बबीता जी वाह। अय्यर अंकल थोड़ा डील दीजिए ना प्लीज। अरे प्लीज प्लीज, मजा आ रहा है ना? बहुत ज्यादा। यही तो है हमारे हिंदुस्तान के त्योहारों की मजा। ठीक है। मेरी एक हाथ से आप तो एकदम क्या प्रोफेशनल हो गए हो, पतंग चलाने वाले? नहीं नहीं, एक हाथ से चला रहे। वाह 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 वाह, ओह माय गॉड, कितना मजा आ गया ये। अय्यर भाई, ये जरा कोमल पतंग चगा रही तो दिल दिलवा दीजिए ना। अरे डॉक्टर आदेब, अरे मुझे भूख लगी है, वो गोली चिक्की खा रहा है ना, तो प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए। अरे आ रहा हूँ। अरे अय्यर भाई जल्दी करवा दीजिए, गोली ला लो। आइए आइए पापा आइए। पोपो, अरे पोपो, अरे इधर अकेले क्या कर रहा है? चल भाई चल, सबके साथ मिलके पतंग उड़ाते हैं। चल चल चल। नहीं 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 छोड़े, अभी मैं हाँ जिस पतंग को उड़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ वो पतंग उड़ाऊंगा। ऐसी कौन सी पतंग है भाई जिसे उड़ाने के लिए तू यहाँ आया, कोई विशेष पतंग है? जी जी जी, विशेष पतंग है। कौन सी भाई? ये खास पतंग है और इस पतंग का नाम है लग्नोत्सुक पतंग। लग्नोत्सुक पतंग? ये देखो ये देखो। और ये पतंग पर जिस किसी सुकन्या की नजर पड़ेगी वो मुझे फोन करेगी और फिर मेरे जीवन की डोर जो है वो तेरे जीवन की डोर हमारी होने वाली भाभी के हाथ में आ जाएगी। आज यहाँ पे हो रहा है एक बहुत ही शानदार काइट फेस्टिवल यानी कि पतंग महोत्सव। हेलो, आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात सूरत से। वाह, बहुत ही शानदार पतंग है ये, है गुजरात के सूरत से, आइए मिलते हैं इनसे। हेलो, आप कहाँ से हैं? मुंबई से है, गोकुलधाम सोसाइटी है ना मुंबई में, वहाँ से खास पतंग उत्सव के लिए यहाँ आए हैं। वाह क्या बात है, आप इतनी फेमस गोकुलधाम सोसाइटी से यहाँ आए हैं, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अरे हमको इधर आके बहुत बहुत मजा आ रहा है, कितनी रंग बिरंगे पतंगे हैं, देश विदेश से आए, बहुत मजा आ रही, खरे खरा मैं तो बहुत खुश हूँ। माहौल ना एकदम से सतरंगी हो गया है, बहुत मजा आ रहा है। और वैसे सतरंगी प्रकार के अचार पापड़ भी बनाते हैं। हाँ, नहीं वो बाद में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए इस काइट फेस्टिवल में, ऐसे यहाँ पे एंजॉय करते रहिए। और मैं हूँ दिव्या रिपोर्टर तड़का से। Hello, my name is Trent Baker from Australia. Namaste. Namaste. मैं चंपकलाल. चंपकलाल? नहीं, लोल नहीं, लाल लाल. चंपकलाल? लाल, चंपकलाल, गड़ा. गला, गला? ये गाना. अरे गाड़ा नहीं, गड़ा भाई, गड़ा, गड़ा. गड़ा? हाँ. Can you be my teacher? Teacher? अच्छा टीचर जी, एक मिनट, ए मिनी मास्टर, बहुत अच्छा टीचर है। नो नो, यू टीच मी, मुझसे सीखना। नो नो, यू टीच मी टू फ्लाई योर काइट।
नहीं सीखना है। You teach me to fly your kite, your style. अच्छा अच्छा, ओहो, पतंग उड़ाना सीखना है अच्छा। हेलो। जी? Excuse me, वो myself अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। Okay. और आप? मैं दिव्या तड़का टीवी से। ओ तड़का टीवी? Yes. तड़का टीवी मैं रोज देखता हूँ। अच्छा? गजब का चैनल है। जी। और वो क्या नाम बताया आपने? दिव्या। अच्छा आप वो तड़का टीवी वाली दिव्या? से मैं सोचू कि मैंने कहीं आपको देखा है। गजब गजब न्यूज पढ़ती है। जिस खूबसूरती से आप मतलब न्यूज को पढ़ती है ना, वो बहुत काबिल तारीफ है। थैंक यू पटलाल जी, थैंक यू सो मच। एक सेकंड, एक और सवाल पूछना था। पूछिए। आप फिरकी पकड़ेंगे? व्हाट? मेरा मतलब है, मैं सालों से अपने जीवन के पतंग की फिरकी पकड़ने वाली को ढूंढ रहा हूँ। तो आपको अगर एतराज ना हो तो आप मेरे जीवन की फिरकी पकड़ी। एक्चुअली क्या है पोपटलाल जी, मैं जिनकी रोज फिरकी लेती हूँ ना, उनका फोन आ गया। मेरे हस्बैंड का। हेलो। चिक्की खाओगे? चिक्की? चिक्की? चिक्की चिक्की। यस। मिठाई? स्वीट 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 स्वीट। यस प्लीज। ये पकड़ो। पूरा? हाँ। और उधर ध्यान रखना पतंग। ये Thank you.
से था उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे छले भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडबाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नड़ियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। पीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे, पहले गोधरा, फिर आणंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए, तो 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। तो अभी ये हमने दूर से प्रतिमा देखी है, अभी कल सुबह हम नजदीक से यही विश्व की ऊंची प्रतिमा को हम देखेंगे। अच्छे से आराम कर लो, सुबह ताजा मजा होके हम लोग यहाँ आएंगे, ठीक है? बबीता जी मजा आया? बहुत 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 ज्यादा मजा। बहुत 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 पैसा वसूल। बाबू जी मजा है ना? अरे बहुत बहुत। बस अभी आराम करते हैं और सुबह ताजा मजा होके आते हैं। चलो भाई चलो 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 भाई चलो। ये देखिए आ गए, देखिए भाई सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक, सैकड़ों रियासतों को एक करके इस देश को आकार देने के प्रमुख शिल्पी। उन्हें अगर हरिवंश राय बच्चन जी के शब्दों में याद करूं तो उन्होंने लिखा कि यही है प्रसिद्ध लौह का पुरुष प्रबल, यही है शक्ति की शिलाजल, हिला जिसे सका न कभी शत्रु दल, पटेल पर स्वदेश को गुमान है, पटेल देश का निगहबान है, पटेल हिंद की निडर जबान है, पटेल पर स्वदेश को गुमान है। और आज इस भव्य और ऊंची और विश्व की सबसे ऊंची इमारत के नीचे हम तमाम हिंदुस्तानवासी जब खड़े, जब हमने दर्शन किए भारत रत्न सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल की इस भव्य प्रतिमा के जो विश्व में सबसे ऊंची है, आज मेरा ही नहीं, गोकुलधाम निवासियों के नहीं, तमाम भारतवासियों का सिर गर्व से ऊंचा है कि हमने ऐसा राष्ट्र गौरव पाया, हमारे राष्ट्रनायक ऐसे हैं। और यहां इस परिसर में गोकुलधाम निवासियों की, हमारे तमाम साथियों की यात्रा यूं ही अनवरत जारी रहेगी और आपके लिए हम लाते रहेंगे मनोरंजन, हंसी और ज्ञान भी। बस हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।